तिरोड़ी में 1 जून को निकाली गई आगरा यात्रा। तिरोड़ी 53 दिन बाद 1 जून को अनलॉक होने पर बालाघाट जिले के कलेक्टर दीपक आर्य ने 31 मई को संपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए बाजार को पूरी तरह खोलने के बजाय इसमें 1 दिन के अंतराल में दुकानों को खोला जाएगा और यह आदेश 15 जून तक प्रभावी रहेगा। अब तक व्यापारियों और आमजनों को यह अनुमान था कि संपूर्ण बाजार खुलेगा, लेकिन गाइडलाइन के नियमों ने सभी को चौंका दिया। कई तरह की पाबंदी और छूट के दायरे में आज 1 जून से प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक तिरोड़ी का मार्केट खुलेगा। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। साथ ही रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर जनता कर्फ्यू रहेगा। इसी के तहत आज 1 जून को प्रातः 9 बजे से तिरोड़ी में आगरा यात्रा बाजार चौक से निकाली गई, जो कि मुख्य मार्ग से होते हुए पुनः बाजार चौक में इसका समापन हुआ, जिसके तहत बताया गया कि अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवा संबंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के संचालन में मेडिकल स्टोर्स प्रतिदिन संचालित किए जाएंगे। वहीं प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूध, डेयरी, फुटकर, सब्जी व फल विक्रेता मोहल्ले मोहल्ले जाकर विक्रय कर सकेंगे। डेली नीड्स आटा चक्की, कृषि उपकरण, खाद बीज, कूलर की दुकानें, मोटर वाइंडिंग एवं कूलर रिपेयर, पशु आहार की दुकानें, फल सब्जी तथा फुटपाथ पर लगने वाली छोटी दुकानें अस्थायी रूप से चयनित निर्धारित स्थान पर ही लगा सकेंगे। आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार उपरोक्त में परिवर्तन करने के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी स्वतंत्र रहेंगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में 50% से अधिक दुकानें नहीं खुलेगी। कोविड प्रोटोकॉल, जिसका पालन समस्त व्यक्तियों करना अनिवार्य है। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। तिरोड़ी से अमित जैन की खबर।